खबर सबसे पहले हाथरस से है, जहां हाथरस घटना पर गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दरअसल वाल्मीकि समाज के 250 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। हाथरस की घटना से आहत होकर उनके जरिए ये कदम उठाया गया। बता दें कि राजरत्न अम्बेडकर ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई है। थाना साहिबाबाद के करहेड़ा गाँव का मामला है। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बता दें कि हाथरस कांड के बाद वाल्मीकि समाज के तकरीबन 250 लोगों ने अपने धर्म को बदल लिया है। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली है, दीक्षा ले ली है। तो बीते 14 अक्टूबर को बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रपोत्र राजरत्न अम्बेडकर ने उनको ये दीक्षा दिलाई। वाल्मीकि समाज के लोगों के मुताबिक उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आहत होकर ही एक कदम उठाया है और धर्म परिवर्तन कर लिया। तो थाना साहिबाबाद क्षेत्र के करहेड़ा गांव का मामला, जहां पर 250 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आहत हुए हैं, कहा है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और इसी को देखने के बाद उन्होंने अब ये कदम उठाया है। बौद्ध धर्म अपनाया गया है। और बदी उस्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बदी उस्मा, ये कितने दिन पहले का मामला है और क्या ये महज 250 लोग हैं या फिर परिवार है? देखिए, ये 14 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ था साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, करहेड़ा गांव है। वहां पे वाल्मीकि समाज का एक कार्यक्रम था, जिसमें राजरत्न अम्बेडकर, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रपोत्र हैं, वो भी चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे। और इस कार्यक्रम में करीब 250 लोगों ने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। और उसी मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल वो वीडियो जब वायरल होना शुरू हुआ, तब प्रशासन को इसकी भनक लगी। और हालांकि तब से जो उच्च अधिकारी हैं, वो कोई भी कैमरा के सामने नहीं आ रहा है और सबने चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि हाथरस कांड के बाद से जो लोगों का मन परिवर्तित हुआ, और लोगों का कहना है कि वाल्मीकि समाज और SC ST के और भी जो बिरादरियां हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको हाशिए पर रखा गया है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, न तो थाने चौकियों में और न ही प्रशासन में। इन सब चीजों से तंग आकर के इन लोगों ने एक तरीके से विरोध दिखाते हुए, अपना विरोध वाल्मीकि समाज की तरफ से जताते हुए धर्म परिवर्तन किया है और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। बदी उस्मान, जिस तरह से कई बार इस तरह से चीजें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं दबाव डाला जाता है लोगों पर कि वो अपने धर्म को परिवर्तित यहाँ पर कर पाए। हाथरस मामला जो कि सबके सामने है, किस तरह की राजनीति उस मामले पर हुई है ये भी हम सबके सामने है। ऐसे में क्या हो सकता है कि इस मामले को शायद और भुनाने की कोशिश के तहत ये मामला सामने आया हो, दबाव कहीं ना कहीं लोगों पर रहा हो इसको लेकर, या खुद अपनी स्वेच्छा से उन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया? देखिए, उन पर दबाव था या नहीं, ये राजनीति से प्रेरित फैसला था, ऐसा कराया गया, ये वो सवाल है जिनका जवाब जिला प्रशासन और पुलिस को देना चाहिए। उन्हें सामने आना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि इन्हें कहीं बरगलाया गया हो, फुसलाया गया हो और बरगला फुसला करके इनसे धर्म परिवर्तन कराया गया हो। जहां तक बात अभी तक फिलहाल जो मामला सामने आया है कि इन लोगों ने राजरत्न अम्बेडकर जब उस दिन चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे और जो कार्यक्रम के जो समन्वयक लोग हैं, उन लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम वहां पर रखा हुआ था और उसी कार्यक्रम में 250 लोगों ने दीक्षा ली। तो जाहिर सी बात है, लेकिन दीक्षा लेने का फैसला तुरंत नहीं हुआ। ये फैसला अपनी मर्जी से है या दबाव है, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।